हेलो बच्चों, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक टू सिग्मा एजुकेशन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लेक्चर 7 में पढ़ा था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंसेस के बारे में, जहाँ पे हमने ये देखा था कैसे हम सॉलिड को तीन उसमें डिवाइड तीन टाइप में क्लासिफाई करा गया है। पहला हमने पढ़ा था कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर बारे हमने बहुत ही डेप्थ में पढ़ा था। हमने पढ़ा था सेमीकंडक्टर टाइप्स क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक, और उसमें भी पी टाइप एन टाइप। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और जो बच्चे नए हैं वो कृपया जाके आप लोग मैंने चैनल पे जाए और मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, तो आप लोग जाके वहाँ पे आराम से देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज लेक्चर 8 में हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस की। सब यहाँ पे हम पहले बात करेंगे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरी मैग्नेटिज्म की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंसेस। व्हाट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंसेस? कह रहे हैं कि एवरी सब्सटेंस हैज सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद इट। कह रहा है कि कोई जितने भी सब्सटेंस होते हैं सबके पास क्या होता है, कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, उसके साथ एसोसिएटेड होती है। ठीक है, कह रहा है द ओरिजिन ऑफ दिस प्रॉपर्टी लाई इन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कह रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी किसकी वजह से ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन ओरिजिनेट होती है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि हर सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, सबको पता है। ठीक है, ईच इलेक्ट्रॉन, ओके, ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम बिहेव लाइक अ टाइनी टिनी मैग्नेट्स। ठीक है, कह रहा है कि जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिहेव करते हैं। भाई सबको पता है ना एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन उसके आउटर सेल में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो कह रहा है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बिहेव लाइक अ छोटे से मैग्नेट की तरह, यानी कि स्मॉल मैग्नेट की, टाइनिंग मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, कह रहा है भाई अगर मैग्नेट है तो उनका मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगा। तो कह रहा है इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट ओरिजिनेट फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ मोशन। अच्छा, ये आगे आप लोग अभी जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आगे चैप्टर, अभी तो यहाँ पे थोड़ा सा दे रखा है आपके इसी में 12th के टॉपिक में, आगे आगे चैप्टर आएगा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म यार हम पूरा डेप्थ पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर ही दे रखा है यहाँ, तो एक टॉपिक है सिंपली। तो मैं यहाँ पे हल्का से आपको ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत बताते चलूंगा, वहां पे आगे डेप्थ में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है मैग्नेट के पास क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, जो कि ओरिजिनेट होता है उसके दो मोशन की वजह से। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेट सॉरी मैग्नेटिक मूवमेंट होते हैं वो उसके दो टू टाइप ऑफ मोशन की वजह से होते हैं, दो तरह के मोशन की वजह से होते हैं। अब आप सबको पता होगा इलेक्ट्रॉन के पास कौन कौन से मोशन होते हैं। फर्स्ट, इट हैज ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस। सबसे सबको पता है भाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं भाई, रिवॉल्व करते हैं कि नहीं, ऑर्बिट मोशन करते हैं कि नहीं। और इट्स स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस भाई, और वो अपने एक्सिस पे भी तो वो स्पिन करते हैं, अपने एक्सिस पे स्पिन करते हुए क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, ऑर्बिटल मोशन करते हैं। तो कह रहा है कि अब कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन बीइंग अ चार्ज पार्टिकल एंड अंडरगोइंग दीज मोशंस कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्मॉल लूप ऑफ करंट। ठीक है, अच्छा सबको पता है भाई कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, सपोज लेफ्ट टू राइट कर रहा है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो करंट क्या होगी, राइट टू लेफ्ट मूव होगी। सबको पता है कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन की मोशन की डायरेक्शन की जस्ट अपोजिट होगी। तो भाई अगर किसी भी एटम में, किसी भी क्या, सारे ही एटम में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है अगर वो क्लॉकवाइज अगर मूवमेंट कर रहे हैं भाई, घूम रहे हैं, ऑर्बिटल उनका मोशन है, तो ऑब्वियस ये बात है उनके एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, एक करंट लूप जनरेट हो जाएगा, कंसिडर्ड एज अ स्मॉल करंट लूप विच पजेस सम मैग्नेटिक मूवमेंट। अब भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई भी चार्ज या कोई भी मैग्नेट, अब मैंने बता ऑलरेडी बता रखा कि क्या है, इलेक्ट्रॉन बिहेव एज अ टाइनी मैग्नेट, इलेक्ट्रॉन मैग्नेट टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो भाई जब उसके पास अगर वेलोसिटी होगी यानी मोशन होगा, तो उससे क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। तो कह रहा है कि दस ईच इलेक्ट्रॉन हैव अ परमानेंट स्पिन। ठीक है, कैसा स्पिन, परमानेंट स्पिन, कह रहा है कि परमानेंट स्पिन एंड एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विथ इट। कह रहा है कि हर इलेक्ट्रॉन के पास उसका परमानेंट स्पिन होने के कारण, यानी कि होता है, और उसी वजह से उसके पास क्या होता है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट उसके साथ एसोसिएट होता है। ठीक है भैया, क्लियर, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब बात करेंगे मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है। तो यहाँ पे कह रहा है जो मैग्नीट्यूड होता है मैग्नेटिक मूवमेंट का, बहुत ही वेरी वेरी स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल होता है, एंड इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ कॉल्ड बोहर्स मैग्नेटन, यानी म्यू बी
इसकी वैल्यू होती है इट्स वैल्यू इक्वल्स टू 9.27 इंटू 10 रेस पावर माइनस 24 एंगस्ट्रॉम मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि ये जो मैग्नेटिक मोमेंट को हम यूनिट होती है उसकी होती है बोहर मैग्नेटन, या आप आगे जब अभी पढ़ेंगे ना आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक अभी मैं जब इसमें खत्म होगा आप फिजिक्स में जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, तो उसमें जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इस चैप्टर स्टार्ट होगा तो वहां पे इसके बारे में पूरा डेप्थ तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां पे अच्छे से अभी आप यहाँ के लिए इतना ही समझिए कि मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है और उसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है, बोहर मैग्नेटन अगर कहीं आ जाए उसकी वैल्यू कितनी होती है ये आपको ध्यान रखना। ठीक है भैया, कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक फिगर, आप फिगर में ध्यान समझिए, यहाँ पे कह रहा है जैसे एक चीज समझाया हुआ है, अगर सपोज ये एक एक्सिस है, ठीक है, ये एक एक्सिस है, ठीक, ये न्यूक्लियस हमारा, और क्या है इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह, ये कौन सा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, इसके अराउंड। तो ये चीज समझ में आ रही है, देखिए यहां पे कह रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है, देखिए भैया यहाँ फिगर में देखिए, यहाँ पे दो तरह के मोशन के हिसाब से इन्होंने मैग्नेटिक मोमेंट को इस फिगर में अच्छे से दिखाया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला जो फिगर है इसमें बताया गया है कि ये क्या, इसमें बता रहा है कि मैग्नेटिक जो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद जब ऑफ एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिटल मोशन कर रहा है उस चीज को दिखाया गया है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये आपका इलेक्ट्रॉन ही है, तो है ये आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे इसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन बताई है। अब यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट, यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट कैसा है, अब ये किसके रिस्पॉन्डिंग है, करिस्पॉन्डिंग है ये स्पिनिंग मोशन की। ठीक है, स्पिनिंग मोशन में क्या होता है, जब मैंने बता रखा ना कि इलेक्ट्रॉन अपनी भी उस पर एक्सिस पे भी स्पिन करते हैं, यहाँ अपनी एक्सिस पे अगर स्पिन करेंगे तो भी एक मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा जो कि देखिए अपर डायरेक्शन में सीधा लग रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एक फिगर देखिए, मैंने बहुत अच्छे से फिगर समझा रखा है, अगर इलेक्ट्रॉन या चार्जेस कोई भी चार्ज आई करंट इस फॉर्मेट में है, ठीक है, करंट कोई इस डायरेक्शन में, इस तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कोई, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एक लूप है हमारा जिसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, तो जो हमारा बी होगा यानी कि जो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरह से कुछ जनरेट होगा। ठीक है, उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। और इससे अच्छा आप ये समझिए, यहाँ पे अगर कोई कोई एक सिंपल सा वायर है, इसके अंदर करंट इस अप डायरेक्शन में हो रही है, तो एक ये एक हैंड रूल होता है, ये आपका लेफ्ट हैंड रूल, सॉरी राइट हैंड रूल है, तो इसमें जो अंगूठे की डायरेक्शन होती है ये अप अप उसकी डायरेक्शन रखिए, किसकी, जो करंट की डायरेक्शन है, और ये हमारे जो थम्स हैं इनकी डायरेक्शन क्या बताती है, ये क्या बता रहा है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पे ये रहे ना, ये हमारे थम की डायरेक्शन, अगर हम इसको अपना अंगूठा मान ले तो ये बाकी उंगलियों की डायरेक्शन है कुछ इस तरह, तो ये जो बाकी बता रहा है ये क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है, तो हमें यही आगे पता करना होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, चले आगे। ओके, ओके, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल की। ठीक है, अच्छा अब बात करेंगे यहाँ पे ऑल मटेरियल, जिसे हम बात करेंगे आपके जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें दे रखे हैं, उसमें दे रखे हैं आपके पांच क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये मैंने एक अलग से स्लाइड आपके लिए निकाल रखा है, यहाँ पे ये समझाने की कोशिश करी है मैंने कि आपके पीरियोडिक टेबल में अगर कोई आप किसी को याद करना, ये थोड़ा सा हायर लेवल के जो कंपटीशन वाले बच्चे उनके लिए, कि यहाँ पे एक चीज बता रखा है इसने कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक, यहाँ पे उन्होंने मेनली फोकस करा फोर्थ पे ही, क्योंकि फिफ्थ जो होता है वो एक जो एंटी सॉरी फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, वो कोई एटम नहीं होता बल्कि क्या होता है वो मॉलिक्यूल होता है, इसलिए उसका यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। ठीक है, इस पीरियोडिक टेबल में जहां पे ये समझाया गया, आप यहाँ पे देखिए जो व्हाइट है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो जिसको याद करना वो याद कर सकता है यहाँ से, कुछ एंटी फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट है जैसे यहाँ पे देख लीजिए क्रोमियम एंटी फेरोमैग्नेटिक है, फिकोनी यानी कि आयरन कोबाल्ट एंड निकल, ये कैसे होते हैं हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, पैरामैग्नेटिक कौन कौन से होते हैं ये रहे, आपके डायमैग्नेटिक कौन कौन से होते हैं ये सारे जो थोड़े से ऐसे ग्रीनिश कलर के हैं,
ठीक है, तो आपको यहाँ से एक आइडिया लग जाएगा। अभी पहले हम लोग एक करके डेफिनेशन देखते हैं, फिर इनके बारे में सबके बारे में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो पहले आप अभी पहले पढ़ते हैं एक एक चीज। ओके, अब बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सब्सटेंस कैन क्लासिफाइड इन टू फाइव कैटेगरीज, ठीक है। जो हमारे सब्सटेंस यानी सॉलिड है वो पांच तरीके फाइव कैटेगरी में क्लासिफाई करे गए ऑन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बिहार पे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे पैरामैग्नेटिक, नाम तो आपने सबने सुना होगा, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। हाँ, ये दोनों नाम आपके लिए नए होंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक क्या सब्सटेंस होते हैं, ठीक है भैया। चलिए एक एक करके आराम आराम से बिल्कुल अच्छे से समझेंगे एक एक एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। पहले बात करेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस होते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड एंड दे आर मैग्नेटाइज इन मैग्नेटिक फील्ड इन द सम सेम डायरेक्शन, ठीक है। कह रहा है कि पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? वीकली अट्रैक्टेड बाई अ मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। सिंपल सी बात है कि जो हमारे पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो वीकली अट्रैक्ट होते हैं, बहुत ही वीकली अट्रैक्ट होते हैं किसके? मैग्नेटिक अट्रैक्टेड बाई अ मैग्नेटिक फील्ड। दे आर मैग्नेटाइज इन मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन। सिंपल सी बात है, अगर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर मैंने यहाँ पे आगे समझा रखा है, यहाँ पे देखिए ये होता है कुछ इस तरह से। अगर ये हम मान लें कि ये हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो इनमें क्या होता है, ये वीकली अट्रैक्ट किसी भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग ये क्या होते हैं, ये हमारे इनमें कोई ओरिएंटेशन नहीं होता, सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी आगे पढ़ते हैं, ठीक। अब कह रहे हैं दे लूज देयर मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का खत्म होता है, यानी कि उसके एब्सेंस, मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपना मैग्नेटिज्म को खो देते हैं, ठीक है। दे लॉस देयर मैग्नेटिज्म, क्लियर। अब कह रहा है कि पैरामैग्नेटिक इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन विच अट्रैक्टेड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच आर अट्रैक्टेड बाई द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यह आप सबको आपने पढ़ा होगा, आपने केमिकल बॉन्डिंग अगर 11th पढ़ी होगी तो वहां पे आपको पढ़ाया गया होगा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कब शो करता है, जब किसी भी एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो वो कैसा कैसा एटम या मॉलिक्यूल होता है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है। अगर उस वहां पे किसी भी एटम में या सब्सटेंस में या मॉलिक्यूल में अगर क्या हो, सारे सारे ही हमारे जो इलेक्ट्रॉन वो पेयर्ड फॉर्म में हो, तो वो कैसे सब्सटेंस होते हैं, डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज शो करते हैं, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जिन बच्चों ने क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ी होगी उनको पता होगा ये। तो यही चीज यहाँ पे कह रहा है कि पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच आर अट्रैक्टेड बाई द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब कह रहा है इसके एग्जाम्पल जैसे O2 कॉपर Cu2+ Fe3+ Cr क्रोमियम 3+ आर सम एग्जाम्पल ऑफ सबसिस्टेंसेस, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक, कि पैरामैग्नेटिज्म के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं और क्या क्या हो। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अभी इन सबको एक हम पूरे चार्ट में देख लेंगे, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी एक बार समझते चलिए, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, पैरामैग्नेटिज्म में होता क्या है कि सब्सटेंसेस आर जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, ठीक है, ओके। और ये क्या होते हैं, दे आर मैग्नेटाइज इन द मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन, ओके। अब बात करते हैं सेकंड डायमैग्नेटिज्म की। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या करते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में वीकली ये अट्रैक्ट नहीं होते बल्कि ये रिपेल करते हैं, रिपेल्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये क्या करते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे एग्जांपल यहां पर दे रखा है H2O NaCl एंड बेंजीन C6H6 आर सम एग्जांपल ऑफ सब्सटेंसेस, दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, यहाँ पे सेम डायरेक्शन था, यही बात ध्यान रखनी है। यहाँ पे सेम डायरेक्शन में क्या होते हैं, ये मैग्नेटाइज होते हैं, यहाँ पे ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। अभी दिखाते हैं आपको, फिगर में समझाते हैं। डायमैग्नेटिज्म इज सोर्स बाय दो सब्सटेंसेस इन विच ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड एंड देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। साफ साफ कह रहा है कि ये चीज आपने, मैंने बताया ना ऑलरेडी, आपने केमिकल बॉन्डिंग में जिस बच्चे ने पढ़ा होगा अच्छे से उसको याद होगा कि डायमैग्नेटिज्म वही शो करते हैं, वही सब्सटेंस शो करते हैं जिनके पास क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब कह रहा है पेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा ऐसा क्यों होता है, वो भी समझ लिए, क्यों नहीं शो करते पेयरिंग ऑफ, क्योंकि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल देयर मैग्नेटिक मोमेंट एंड दे लॉस देयर मैग्नेटिक कैरेक्टर। ये क्या करते हैं, पेयरिंग के कारण जो होता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के कारण वो क्या करते हैं, एक दूसरे अपने जो मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को वो कैंसिल कर देते हैं एंड दे लॉस देयर मैग्नेटिक कैरेक्टर, और ये अपने मैग्नेटिक कैरेक्टर को ही खत्म कर देते हैं, ठीक। आई होप क्लियर होगा सबको। अब बात करते हैं आगे,
अब बात करते हैं थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. अ फ्यू सब्सटेंसेस लाइक आयरन कोबाल्ट निकेल गैडोलिनियम एंड क्रोमियम ऑक्साइड आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रॉन्गली बाय अ मैग्नेटिक फील्ड. सच सब्सटेंस आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. ठीक है, आपने घर में भी जो नॉर्मली हमने मैग्नेट देखा होगा वो क्या होते हैं, जो आयरन के पीस होते हैं कोबाल्ट या निकल, इनको क्या होता है बहुत ही तेजी से अट्रैक्ट करते हैं ये. बेसिकली ये हमने घर में भी इस चीज को आप मैग्नेट आपने करके देखा होगा घर में. ठीक है, यहाँ पे और किसी के और हम किसी का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अपने घर में नहीं देख सकते. यही चीज है फेरोमैग्नेटिज्म की, आयरन कोबाल्ट ये सब क्या होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करते हैं. अब इसमें कह रहा है कि ये क्या होता है, ये क्या होते हैं वेरी स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय योर मैग्नेटिक फील्ड. सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक. ठीक है, बिसाइड देयर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दीज सब्सटेंस कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड. ठीक है, कह रहा है बिसाइड देयर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दीज सब्सटेंसेस कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज. ये सब्सटेंस क्या होता है परमानेंटली भी मैग्नेटाइज कई बार हो जाते हैं. मतलब कई बार आपने देखा होगा कि अगर एक किसी आयरन के पीस को अगर चुंबक के यानी कि मैग्नेटिक के पास काफी टाइम तक छोड़ दिया जाए तो वो भी एक तरह मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है. आपने देखो कई बार जो कई बार हमारे स्क्रू ड्राइवर होते हैं उनमें भी देखिए कई बार जो स्क्रू होते हैं वो बिल्कुल एक तरह से चिपक जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा. ठीक है, तो कुछ इस तरह का ये वहां पे इसी वजह से ये प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारे फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं वो कई बार परमानेंटली मैग्नेटाइज हुए, वो भी एक परमानेंट मैग्नेट की तरह ही बिहेव करने लगते हैं मैग्नेट के ही पास रहने की वजह से, उनकी उनकी संगत में रहने की वजह से. सिंपल सी बात है, उन्हीं के साथ होने की वजह से. अब कह रहा है इन सॉलिड स्टेट द मेटल आयन ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर ग्रुप्ड टुगेदर इन स्मॉल रीजन्स आर कॉल्ड डोमेन्ड. ठीक है, ये चीज एक ध्यान रखने वाली बात है कि जो इस मेटल आयन ऑफ जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के जो मेटल आयन्स होते हैं वो एक आपस में ग्रुप बना लेते हैं इनटू ए स्मॉल रीजन, छोटे छोटे रीजन में, जिसे कहते हैं डोमेन. दस ईच डोमेन एक्ट एज अ टाइनी मैग्नेट. यहाँ पे जो वो डोमेन होते हैं वही क्या होते हैं एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं. इन एन अनमैग्नेटाइज पीस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस द डोमेन आर रैंडमली ओरिएंटेड एंड देयर मैग्नेटिक मूवमेंट गेट कैंसिल. ऐसे जो हमारे अनमैग्नेटाइज्ड पीस होते हैं यानी कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, कह रहा है कि इन एन अनमैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस उनमें क्या होता है डोमेन आर रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं. ठीक है, और वो क्या करते हैं एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल कर देते हैं. ठीक है, अब कह रहा है कि व्हेन द सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑल द डोमेन गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, एंड अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड. जैसे ही हम क्या करते हैं सब्सटेंस को यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस सपोज आयरन को, ठीक है, यानी कि लोहे की किसी चीज को, उसको हम क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके जो अंदर डोमेन है वो एक ही डायरेक्शन में यानी कि अप्लाइड जो मैग्नेटिक फील्ड उसी के डायरेक्शन में एकदम से उन्हीं के डायरेक्शन में गेट ओरिएंटेड हो जाती ओरिएंट हो जाती है, जिसके कारण एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. ठीक है, आर प्रोड्यूस्ड इज प्रोड्यूस्ड दिस ऑर्डरिंग ऑफ डोमेन परसिस्ट इवन वेन मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव. कई बार ऐसा हमने देखा, आपने भी देखा होगा कि अगर मैग्नेट हटाने के बाद भी उस आयरन के पीस में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, मतलब बेसिकली इतना से वो परमानेंटली एक मैग्नेट बन जाता है कई बार. ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम अ परमानेंट मैग्नेट. ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव लाइक अ परमानेंट मैग्नेट, यानी कि या फिर क्यों कैसे जो है आपके ये जो हमारे जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है यानी आयरन आयरन कोबाल्ट ये कैसे परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाते हैं व्हाई. तो ये कई बार आपको ये पूरा उसका एक्सप्लेनेशन है कि बिकॉज ऑफ डोमेन. उसमें क्या होता है डोमेन क्या होते हैं स्ट्रांगली उन्हीं के डायरेक्शन में क्या होते हैं अप्लाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसी के डायरेक्शन में वापस से क्या हो जाते हैं स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं. ठीक है, जिसके कारण एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है. ठीक है भैया, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा. चले आगे, अब इसको अभी आगे जब मैं अभी पांचों एक कंपैरिजन मैंने चार्ट ले रखा है. ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में अभी है तो वहां पे अच्छे समझाऊंगा इस चीज को कैसे, एक बार जब कंपैरिजन करके देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अभी एक बार आप पहले समझते चलिए. ठीक है, कोई परेशान होने की बात नहीं, लास्ट में पूरा एक समराइज कर दूंगा, एक एक सब में प्रॉपरली डिफरेंस करके समझा दूंगा कंपैरिजन करके. ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं. हमारा फोर्थ एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, नाम से समझ में आ रहा है एंटी की बात कर रहा है. तो सब्सटेंस लाइक MnO एक एग्जाम्पल है इसका, आप ध्यान से याद रख लीजिए बस, सिंपल सा और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं. सिंपल सा मैग्नीज ऑक्साइड सोइंग एंटी फेरोमैग्नेटिज्म हैव अ डोमेन स्ट्रक्चर सिमिलर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बट देयर डोमेन आर अपोजिटली ओरिएंटेड
एंड कैंसिल आउट अदर्स मैग्नेटिक मोमेंट। सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होता था भैया, जो हमारे डोमेन होते थे वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाते थे, और क्या होते, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देते हैं। आपको याद होगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं। जैसे आपको अभी दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए, ये आपका पहला वाला जो है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट जो यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है, ये क्या है, हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल। यहाँ पे देखिए, एक ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन हमारा अप्लाइड थे उसी डायरेक्शन में सारे जो है क्या हो गए, ओरिएंट हो गए, ठीक है, उनका ओरिएंटेशन हो गया। बट यहाँ पे देखिए, एक तो यहाँ पे उसका अपोजिट या कैंसिल कर दिया, ठीक है, अब कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। ये क्या है, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, मतलब जो हमारा अप्लाइड फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट ओरिएंट हो गए, ठीक है, जो डोमेन है। ओके, अब देखते हैं सब्सटेंसेस लाइक एमिनो, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, ठीक है, तो कैंसिल इसी वजह से कर देते हैं। अब बात करते हैं लास्ट, ठीक है, बट नॉट द लीस्ट, फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म इज ऑब्जर्व व्हेन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डोमेन इन द स्ट्रक्चर, सॉरी, इन द सब्सटेंस आर अलाइन अलाइंड इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन इन द अनइक्वल नंबर, ठीक है। सिंपल सी बात कह रहा है, आपको बस इतना ध्यान रखना कि व्हेन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डोमेन इन द सब्सटेंस आर अलाइन पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन इन अनइक्वल नंबर्स, ठीक है, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एज कंपेयर टू द फेरोमैग्नेटिक। सिंपल सी बात है, ये फेरोमैग्नेटिक से थोड़ा कम होता है, बट उसके अपोजिट उतना नहीं, मतलब उससे थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कुछ सब्सटेंस होते हैं, ये मैग्नेटाइट होता है, Fe3O4, ठीक है, और यहाँ पे MgF, Fe2O4, ZnFe2O4 आर एग्जाम्पल ऑफ सब्स, ये आपको कुछ एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे इसके। दी सब्सटेंस ऑल्सो ऑल्सो लॉस फेरी मैग्नेटिज्म ऑन हीटिंग एंड बिकम पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, किसी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, हीट करने पे उसकी किसी भी सब्सटेंस की लॉस हो जाती है। या आप जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ा जाता है कि कैसे कैसे उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर किसी चीज में मतलब उसके खत्म कैसे हो जाते हैं, कुछ चीजों में, किसी मैग्नेट को आपको खराब करना हो उसको हीट कर दो, सिंपल सी बात है, उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है कि हीटिंग एक बहुत ही खराब फिनोमेना है किसी मैग्नेट के लिए। मैग्नेट के लिए क्या होता है, हीटिंग हीटिंग को अवॉइड करना चाहिए, हीटिंग इसीलिए, ठीक है। अब बात करेंगे हम, ठीक है, अब यहाँ पे एक एक हम फिगर से समझेंगे, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि बस एक बार मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फेरोमैग्नेटिज्म कह रहा है कि इज ऑब्जर्व व्हेन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डोमेन इन द सब्सटेंस आर अलाइंड इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन इन अनइक्वल नंबर, ठीक है। कह रहा है कि ये जो हमारे फेरोमैग्नेटिज्म होता है ये कब ऑब्जर्व होता है, जब मैग्नेटिक मोमेंट डोमेन का, किसी सब्सटेंस के डोमेन का, ठीक है, क्या अलाइन हो जाता है पैरेलल या तो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में और अनइक्वल नंबर में, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बता दी, ये किससे होते हैं, ये वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड होते हैं एज कंपेयर टू द फेरो में। फेरो में तो बहुत ही हाईली स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, तो आपको याद रखना। अब यहाँ पे समझिए, देखिए ये लास्ट वाला, जैसे देखिए यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन है, ये देखिए, ये रही, ये रही, यहाँ पे ये उसका अपोजिट हो गया, यहाँ पे अपोजिट, तो यहाँ पे देखिए एक पूरा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे उससे कम है, क्योंकि यहाँ पे दो बार जो है, ये देखिए दो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, ठीक है, अलाइन, ठीक, जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन डोमेन की उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट जो है, यहां से आई होप आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है। ओके, ये आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, फेरोमैग्नेटिज्म का एग्जांपल, और ये एंटी फेरो का, और ये आपका फेरो का, फेरी का, ठीक है। ऐसे यहाँ पे पैरामैग्नेटिज्म का आप इससे देख के समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे देखिए फेरोमैग्नेटिज्म में एक ही डायरेक्शन में सारे ओरिएंट हो गए मैग्नेटिक जो डोमेन से, ठीक है। यहाँ पे एंटी में कुछ कुछ देखिए, ऊपर वाले जो हैं ये तो हमारा जो अप्लाइड है, अप्लाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है, बट यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में क्या है उसके, जो हमारा डोमेन है उसका ओरिएंटेशन है, तो कुछ कुछ कैंसिल कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैक्सिमम कम हो गया यहाँ पे। अब इस थर्ड में देखिए, थर्ड वाले में, सॉरी फोर्थ वाले में, फेरी में क्या होता है तो, बट बहुत ही अनइक्वल नंबर, देखिए इनकी इनका मैग्नेट्यूड कितना छोटा है, तो इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा है यहाँ पे मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, थोड़ा सा चलते हैं, अब आपको एक एक सब में पूरा एक चार्ट में अच्छे से कंपैरिजन समझाते हैं। पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए, यहाँ पे एम क्या है, मैग्नेटाइज्ड, मतलब जो हमारा सब्सटेंस मैग्नेटाइज कितना हो रहा है, एच क्या होता है, हमारा अप्लाइड फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ समझने की कोशिश करते हैं,
ठीक है। अच्छा एक वर्ड यहाँ पे आएगा ससेप्टेबिलिटी, या आगे बच्चे जो कंपटीशन वगैरह के लिए पढ़ेंगे उनके लिए एनसीईआरटी किताब में हमने नहीं दे रखा है, ये हायर क्लासेस में, तो आप थोड़ा बहुत इस वर्ड को अभी आप पे नेग्लेक्ट हो उसको आप समझने की कोशिश मत करिए, क्योंकि हायर क्लासेस में जब जाएंगे तो वहां पे आपके यहाँ पे तो डायरेक्शन यानी कि जो डोमेन है और या सब्सटेंस के ओरिएंटेशन यानी कि उनके मैग्नेटिक मूवमेंट के डायरेक्शन ओरिएंटेशन के बिहाफ पे यहाँ पे क्लासिफाई करा गया, बट आगे जो हम ससेप्टेबिलिटी के आधार पे करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ससेप्टेबिलिटी उनकी वैल्यू के हिसाब से हम देखते हैं, ठीक है। आपने आप देख रहा होगा बहुत जगह लिखा ससेप्टेबिलिटी स्मॉल कब हायर होती है, ये सारी बातें इनके बिहाफ पे। तो अभी आप यहाँ से डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पे जैसे इनर्ट गैस, मेनी मेटल्स, एल्यूमिनियम, सॉरी ये क्या है, गोल्ड, AU, गोल्ड, कॉपर, मरकरी, नॉन मेटेलिक सब्सटेंस में क्या क्या है आपके, बोरॉन हो गया, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, मेनी आयंस भी होते हैं आपका, सोडियम प्लस, सीएल माइनस, ये सारे कुछ आपके हो गए, ठीक है, द मोस्ट, और ऐसे ही मॉलिक्यूल में H2N2 और H2O, ये डायमैग्नेटिक आपके सब्सटेंसेस हैं। इसमें कह रहा है एटम्स एटम्स हैव नो मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, ससेप्टेबिलिटी इनकी स्मॉल होती है, ये आपको याद नहीं रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये इस तरह से, यहाँ पे कोई भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अभी नहीं है, यहाँ पे ये आपको ग्राफ नहीं समझना है, जाने दीजिए, जिसको समझ में आए तो ठीक है, अदरवाइज रहने दीजिए, आपके जो काम की नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पैरामैग्नेटिक में, आप ध्यान से देखिए पैरामैग्नेटिक कुछ एग्जांपल ये आपको याद रखने हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, एटम्स हैव रैंडमली ओरिएंटेड मैग्नेटिक मूवमेंट, यहाँ पे रैंडमली ओरिएंट हो जाते हैं देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, देखिए यहाँ पे रैंडमली ओरिएंट है, ठीक। फेरो में क्या होता है, स्ट्रांगली ओरिएंट हो जाते हैं, देखिए उन्हीं के डायरेक्शन में सारे एक डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में होंगे कि नहीं, एटम्स है पैरेलल अलाइंड मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, यहाँ पे ससेप्टेबिलिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, लार्ज होती है। एंटी के बारे में, एंटी फेरो के, तो आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं ट्रांजिशन मेटल के, जिसको और सारे एग्जाम्पल याद करने जो कंपटीशन की तैयारी करें वो यहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है। मेनी ऑफ देयर कंपाउंड एग्जाम्पल मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी मैग्नीज ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है, MnS यानी कि मैग्नीज सल्फाइड, ठीक है, ये सारे आपके MnSe, ठीक है, कॉपर, क्यूप्रिक, ये CuCl2 है, ठीक। अब बात करते हैं CuC12 है, सॉरी, अब यहाँ पे ऐसे देखिए, यहाँ पे अब एटम हैव एंटी पैरेलल अलाइंड मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक तो आपके यहाँ पे एरो की डायरेक्शन देखिए आपको, यहाँ पे अपर डायरेक्शन, यहाँ पे बिलो, अप, बिलो, ठीक है, यहाँ पे लो यानी कि बिलो, और यहाँ पे अप, बिलो, अप, तो एक दूसरे क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं यहाँ पे, इसी वजह से यहाँ क्या है एंटी, यहाँ पे जो एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर देने, मैग्नेटिक मूवमेंट जो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, ठीक है। थ्योरी में क्या होता है, यहाँ पे एटम है मिक्स्ड पैरेलल एंड एंटी पैरेलल अलाइंड, तो यहाँ पे मिक्स होंगे, देखिए यहाँ पे तो एक सब अपर डायरेक्शन, अपर डायरेक्शन में, यहाँ पे लोअर डायरेक्शन, बिलो डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ देखिए अप भी है, तो ठीक है, तो कह रहा है कि जब ऐसा कुछ एक सीन क्रिएट हो तो इस तरह के सब्सटेंस, कैसे सब्सटेंस बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है, या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपका, आपके सिलेबस में मतलब जो सॉलिड स्टेट है कि टॉप, इसमें जो टॉपिक में दे रखा है मैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंसेस या सॉलिड में, इतना ही है आपने, मैंने उससे ज्यादा भी कवर करा दिया, एनसीईआरटी में जितना दे रखा है आपसे उससे ज्यादा करा दिया मैंने, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, और आप लोग प्लीज हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसे जरूर ज्वाइन करें। अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है हमारा वो डिस्क्रिप्शन, आप जब जाएंगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे दे रखा है, आप वहां से करके आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।